मुझे तो बताइए कि कैसी रही जर्नी बिग बॉस के साथ में, बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के लोगों के मेंबर्स के साथ में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कह सकता हूँ कि मेरे लिए जर्नी अच्छी रही, लेकिन शिल्पा के एविक्शन के बाद मैं थोड़ा सा लॉस्ट सा हो गया था। मुझे लगा कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई रीज़न नहीं है। जब तक शिल्पा थी तब तक मैं बहुत खुश था, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी। मैं थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था, मुझे लग रहा था यार घुटन हो रही थी मुझे इस घर में। जहाँ तक लोगों का सवाल है, सब मेरे बहुत स्वीट थे, क्योंकि मेरा ये मानना है ज़िंदगी में कि जो आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। मैंने सबको रिस्पेक्ट दी, सब ने इंटर्न मुझे रिस्पेक्ट दी, इसीलिए मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब ने बहुत प्यार से बात करी, इवन दो जब वो गुस्सा होते थे लोग मुझसे जब बात करते थे तो एक तहजीब, एक सर्टन लेवल ऑफ डिसिप्लिन था उनके उनमें। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बस ना एक एक्सपीरियंस था जो मुझे लेना था। बिग बॉस के टाइटल के लिए मैं कभी भी मतलब एम नहीं कर रहा था, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि एक्सपीरियंस करो और घर पे आ जाओ, जो मैंने किया और ओवरऑल बढ़िया था। देखिए एक बार तो सर्टन है कि जिस तरीके का शो है तो थोड़ा सा कंटेंट उन्हें चाहिए होता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। और आपकी पर्सनालिटी वैसी है नहीं? मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, तो मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, और मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी डिग्निटी जो है वो मेरे ख्याल से शो से ज़्यादा बड़ी थी, तो मैंने उसको इंटैक्ट रखते हुए मैंने सबको नमस्कार किया, प्यार से हग किया और गुड बाय करके यहाँ फिर आ गया। मेरा ऑनेस्टली मेरे लिए किसी की ओपिनियन मायने नहीं रखी थी, तो इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि मैं हमेशा काम कंपोज रहता था, क्योंकि मुझे उन 12 लोगों से ज़्यादा चिंता थी उन 20 करोड़ लोगों की जो शो को देख रहे थे। और मेरा ये मानना था कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि जब एक भाई अपनी बहन के साथ या माँ अपने बेटे के साथ या पिता एक डॉटर के साथ इस शो को देख रहा हो या अपने बच्चों के साथ देख रहे हो माँ बाप, कि वो एम्बेरस्ड हो जाएं। तो अब मैं अपनी माँ को ऑब्वियसली प्रॉमिस करके गया था कि मेरी माँ को थोड़ा यही डर था कि बिग बॉस एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल शो है कि लोग जो इज्जत थोड़ी बहुत होती है उसे भी गवा के आ जाते हैं। बट अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इज्जत कमाई नहीं तो अपनी इज्जत गंवाई भी नहीं है कुछ। जी सलमान भाई से आई थिंक ज़्यादा बेहतर इस शो को कोई होस्ट नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। और यकीन मानिए तो आप लोग जो भी 40-45 मिनट शो देखते हैं, इस शो को होस्ट करना वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ यहाँ पर सब तरीके के अतरंगी लोग हैं और उनके जवाब अतरंगी होते हैं। बट सलमान भाई का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है कमाल का है, और वो जब उन्हें डांटना होता है तो प्यार से बता भी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जब मज़ा करना होता है तो उनसे ज़्यादा मज़ा भी कोई नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट होस्ट है सलमान भाई। बिग बॉस जो है वो ऑब्वियसली आका है उस घर के, भगवान है उस घर के, और सारे के सारे जो रूल्स हैं वो उन्होंने सेट किए हैं। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रही हैं उनके रूल्स की, जो उनके डिसीजंस हुए हैं उनकी, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द शो, वो शो का नेचर है। मेरा सिर्फ इतना एक छोटा सा सजेशन है कि उस घर में किसी को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। अगर खुशहाल गए तो मैं खुशहाल का नाम लेना चाहूँगा, अगर वो गए बट मेरा जो दूसरा नाम है वो हमेशा कामया होता है, तो कामया मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टाइटल के। थैंक यू।